तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आप लोग हमेशा एक बात बोलते होंगे कि यार त्यागी जी, आप लोग तो हमेशा केकेआर की वीडियो बनाते रहते हो, केकेआर को लेकर इतनी बातें क्यों करते हो। तो भाई मैं वो चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को जो फैक्चुअल होती हैं, जो इस वक्त मैदान पर घट रही होती हैं। अब मैं केकेआर को क्यों बोल रहा हूँ कि केकेआर सब टीमों के लिए खतरा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि केकेआर इस बार चैंपियन बन सकती है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि केकेआर के पांच खिलाड़ियों का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब मैं केकेआर की टीम का एनालिसिस आप लोगों को समझाऊंगा तो केकेआर की टीम कहीं भी मुझे कमजोर नजर नहीं आती है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आप लोगों को फैक्चुअली बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। मैं पूरी टीम एनालिसिस करूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2023 का आगाज हुआ है, जिस तरीके से 2023 बदला है, साल बदला है, 2022 से जैसे ही 2023 में आए हैं, केकेआर के नक्षत्र बदलते हुए नजर आ रहे हैं, केकेआर की तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है, टीम की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार ये संकेत दे रहे हैं कि भाई इस बार केकेआर का कोई तोड़ नहीं है, इस बार केकेआर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, इस बार केकेआर के इन खिलाड़ियों का तोड़ कैसे निकाला जाए, ये तमाम टीमों के कप्तान जो हैं वो सोच रहे होंगे। अब मैं आपके सामने पूरी केकेआर की टीम का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को वो भी बात बताऊंगा कि आखिर क्यों केकेआर को हराना मुश्किल और कहां केकेआर इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रही है। वो तीन बड़े फैक्टर जिन फैक्टर्स की वजह से केकेआर को इस बार चैंपियन कहा जा रहा है, वो तमाम बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ, सबसे पहले केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11, मतलब जो प्लेइंग 11 हो सकती है उसको बताऊंगा, उसके बाद में चर्चा करूंगा कि केकेआर कहां ताकतवर नजर आ रही है जो बाकी टीमों के पास ताकत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, गुरबाज या लेटन दास दोनों में से कोई एक खेलेगा ओपनर के तौर पर, दो क्योंकि दोनों विदेशी हैं। उसके बाद में जगदीशन या फिर वेंकटेश अय्यर दोनों में से कोई एक खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है दोनों बेहतर है, मेरे हिसाब से जगदीशन खेलेंगे तो जगदीशन तो खैर कमाल का कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर तीन पर नीतीश राणा आएंगे, क्योंकि जगदीशन इसलिए खेलेंगे क्योंकि विकेट कीपर भी चाहिए। उसके बाद में श्रेयस अय्यर आएंगे, रिंकू सिंह आएंगे, रसल आएंगे, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, मैं चाहता हूं लोकी फर्गुसन को खिलाया जाए तेज गेंदबाजी के तौर पर सऊदी की जगह, और यहां पर वरुण चक्रवर्ती, ये स्पिनर के तौर पर आपकी टीम हो सकती है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि भाई केकेआर की टीम को क्यों मजबूत कहा जा रहा है, कहां से केकेआर की टीम सब टीमों से आगे नजर आ रही है, तो वो मैं फैक्टर आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ओपनर के तौर पर गुरबाज और दास दोनों शानदार तरीके की फॉर्म में, दोनों रन बना रहे हैं, कमाल के बल्लेबाज है, तेज गति के हिटर है, और पता है कि मैच कैसे बनाया जाता है, शुरुआत में पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ओपनर फॉर्म में और शानदार खेल रहे हैं। दूसरा क्या है, जगदीशन जो है ना, बहुत बेहतर तरीके के बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, धोनी की शागिर्दगी में रहे और 2022 बहुत बढ़िया रहा घरेलू क्रिकेट, 2023 में कमाल कर सकते हैं। तो ओपनिंग जो है केकेआर की मजबूत हो गई है, जो 2022 में केकेआर की ओपनिंग कमजोर नजर आ रही थी वो इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा वो फैक्टर है जो फैक्टर बाकी टीमों के पास नजर नहीं आ रहे हैं, केवल केकेआर के पास वो फैक्टर है। उसके बाद में नीतीश राणा, देखिए नीतीश राणा ने हाल ही में मुंबई को छक्का मारकर हराया था, आपको पता है रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई, दिल्ली ने जब मुंबई को हराया था तो छक्का मार के जिताने वाला खिलाड़ी नीतीश राणा था। पहले नीतीश को बाहर कर दिया था दिल्ली ने, उसके बाद में अंदर ले लिया, और जब अंदर ले लिया तो नीतीश ने छक्का मार के मुंबई को हराया। तो ये नीतीश राणा की काबिलियत है, और आपको सबको पता है कि नीतीश राणा किस तरीके के बल्लेबाज है, तो इसलिए इस बार नीतीश राणा का बहुत अहम किरदार होने वाला है। श्रेयस अय्यर तो खैर शानदार फॉर्म में है, बेहतर तरीके से 2022 में सबसे ज्यादा टीम इंडिया के लिए रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, केकेआर के लिए भी 2022 में बहुत रन बनाए, उम्मीद करेंगे कि 2023 में भी श्रेयस अय्यर की वो फॉर्म जारी रहेगी। तो ऊपरी क्रम बहुत मजबूत केकेआर का नजर आ रहा है। उसके बाद में रिंकू सिंह, कहना इस खिलाड़ी के बारे में तो जितनी चर्चा कम की जाए उतनी कम है, शानदार खिलाड़ी, 2022 में कमाल का परफॉर्म किया, 2023 में भी उम्मीद करेंगे कि उसी तरीके का परफॉर्म करेगा। लेकिन अब यहां से आगे शुरू होती है केकेआर की बेहतर कहानी, यहां से आगे शुरू होती है, होता है वो फैक्टर जिस फैक्टर की मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं, यहां से बाद में वो ताकत नजर आने वाली है जो ताकत बाकी टीमों के पास नहीं है। बाकी टीमों के पास ऐसी पावर मुझे नजर नहीं आ रही है जो केकेआर के पास ताकत मुझे नजर आ रही है, इसीलिए केकेआर को कहा जा रहा है कि इस बार ये टीम चैंपियन बनेगी। और वो ताकत क्या है, वो ताकत है आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल कैसे ताकत है, गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाते हैं, तेज गति के गेंदबाज हैं, रन बनाने में आंद्रे रसेल का कोई तोड़ नहीं है। आंद्रे रसेल
मसल, मतलब रसल द मसल किलर है एक तरीके से गेंदबाजों के किलर। और अपने जिस वक्त की, जिस तरीके की फॉर्म में है इस वक्त आंद्रे रसल, जिस तरीके से टी20 लीग में वो अपना कमाल धमाल कर रहे हैं गेंद और बल्ले से, उसके बाद केकेआर की उम्मीदें बढ़ गई होंगी। और वैसे भी रसल आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं, तो रसल सबसे पहली पावर। उसके बाद में सुनील नरेन, सुनील नरेन के बारे में आप लोगों को पता है, गेंद को घुमाते हैं, विकेट चटकाते हैं और टी20 लीग में ऐसा कर भी रहे हैं। सुनील नरेन की गेंदबाजी को पीटना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए सुनील नरेन गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करेंगे। और तीसरा बड़ा फैक्टर क्या है, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं, शानदार तरीके से इस वक्त टीम इंडिया में कमाल कर रहे हैं, बेहतर तरीके से टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभा रहे हैं। अब ये जो त्रिदेव हैं, ये त्रिदेव क्यों इस वक्त केकेआर के लिए सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं, ये भी एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उस टीम के ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स पर 2023 में क्यों सबसे ज्यादा पैसा बरसाया गया, क्योंकि हर टीम को पता है कि आईपीएल का जो खेल है, टी20 का जो खेल है, वो भाई ऑलराउंडर्स का है। जिस टीम के पास बेहतर ऑलराउंडर्स है वो टीम सबसे मजबूत है, जिस टीम के पास सबसे धुआंधार ऑलराउंडर है वो टीम चैंपियन बन सकती है। और केकेआर ने यही काम इस बार 2023 में कर लिया। आंद्रे रसल पहले से उनके पास थे, सुनील नरेन पहले से उनके पास थे, अब उन्होंने शार्दुल ठाकुर को लेकर जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा फैसला किया। अब उनके पास तीन ऑलराउंडर ऐसे हो गए हैं जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। वो गेंद से कमाल करेंगे, वो बल्ले से कमाल करेंगे। निचले डाउन पर केकेआर की टीम बहुत मजबूत हो गई है, बहुत मजबूत। ऊपरी क्रम पर पहले से केकेआर की टीम मजबूत थी, अब केकेआर की टीम के पास नंबर 8 तक मैच विनर प्लेयर हो गए हैं। लॉकी फर्गुसन भी निचले क्रम पर, उमेश यादव भी थोड़ा बहुत बल्ला भांज लेते हैं, तो कुल मिलाकर 11 के 11 खिलाड़ी केकेआर के बल्लेबाजी करने वाले हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास तीन तो शानदार ऑलराउंडर हैं, शानदार, जो किसी टीम के पास मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं उन टीमों में तीन प्रॉपर ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सके, ऐसे मुझे तीनों टीमों, पूरी 10 की 10 टीमों में से बाकी बची हुई 9 टीमों में किसी में वो ताकत मुझे नजर नहीं आ रही है जो प्रॉपर खेलेंगे। क्योंकि ये केकेआर के तीनों ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, इनमें से कोई भी ऑलराउंडर बाहर नहीं होगा, तो तीनों खेलेंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और केकेआर की टीम को मजबूती देकर चैंपियन बनाने की ताकत रखते हैं। तो इसीलिए केकेआर की बात कही जा रही है कि केकेआर इस बार चैंपियन है, क्योंकि उनके पास ये तीन त्रिदेव आ गए हैं। उसके बाद में उमेश यादव गेंदबाजी में कमाल करते हैं, बल्ले से भी थोड़े बहुत रन बना लेते हैं। लॉकी फर्गुसन को हमने गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए देखा है, किस तरीके से शानदार रफ्तार उनके पास है। और वरुण चक्रवर्ती, तो ये जो केकेआर की टीम है, इस टीम के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है जो बाकी टीमों के पास नहीं, कि इस टीम के पास लोअर ऑर्डर पर मैच विनर प्लेयर है, इस टीम के पास निचले डाउन पर तीन बड़े ऑलराउंडर्स हैं जो बाकी टीमों के पास मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है कि भाई केकेआर की टीम चैंपियन है, क्योंकि जो ताकत केकेआर के पास इस बार है वो ताकत इस बार किसी के पास नजर नहीं आ रही है। इसीलिए केकेआर की टीम थोड़ी सी मुझे आगे नजर आ रही है बाकी टीमों के मुकाबले, क्योंकि मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं। और आप भी ये बात मानेंगे कि रसल और शार्दुल ठाकुर, इन दोनों की जो फॉर्म है, जो शानदार तरीके से गेंद और बल्ले से कमाल कर रहे हैं, ऐसी फॉर्म अभी जिस जो दौर चल रहा है किसी टीम के ऑलराउंडर के पास नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मुझे केकेआर की टीम इस बार मजबूत नजर आ रही है। और देखिए बल्लेबाजी में भी आप ऊपरी क्रम पर देखिए, गुरबाज दास, जगदीशन, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, इनमें से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, कोई भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, सारे के सारे खिलाड़ी रन बना रहे हैं। और निचले डाउन के खिलाड़ी भी इनके पास ऐसे आ गए हैं जो इस वक्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे केकेआर की टीम 2023 में चैंपियन नजर आ रही है, यह सबसे बड़ी वजह है। और कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस बार ऐसा हो सकता है कि केकेआर की टीम इतिहास रच ले। गौतम गंभीर वाला जो इतिहास था वो दोबारा से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर की टीम रच दे। और जाहिर तौर पर देखिए, शाहरुख खान को बड़ा खिलाड़ी क्यों माना जा रहा है? शाहरुख खान केवल भाई मेरे भाई बॉलीवुड के किंग नहीं है, वो यहाँ के भी किंग है, वो क्रिकेट जगत के भी किंग है, क्योंकि उन्होंने जो फैसले लिए, जो तीन खिलाड़ियों को उन्होंने ऑक्शन से पहले लिया था, उन तीन खिलाड़ियों का फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि शाहरुख खान ये समझ चुके थे कि इन तीनों खिलाड़ियों में क्या काबिलियत है। आप बात गुरबाज की कर लीजिए, शार्दुल ठाकुर को दिल्ली से लपक लिया, दिल्ली को कितना बड़ा झटका लगाया, दो झटके दिल्ली को लग गए, पहले ऋषभ पंत अब चोट की वजह से बाहर हो रहे हैं, उसके बाद में शार्दुल ठाकुर पहले चले गए,
रहे थे, तो दिल्ली को झटका दे दिया, दिल्ली से शार्दुल ठाकुर को लपक लिया, उसके बाद में फर्गुसन को गुजरात से लपक लिया। तो ये तीन खिलाड़ी लेकर जाहिर तौर पर केकेआर ने ऑक्शन से पहले ही, आईपीएल 2023 से पहले ही अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया था, अपनी जीत को पक्का कर लिया था, और वो खिलाड़ी इस वक्त कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका केकेआर के इन खिलाड़ियों पर, इस फैक्टर पर, जो ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कि तीन ऑलराउंडर, बड़े ऑलराउंडर हैं केकेआर के पास, और जिस टीम के पास बढ़िया ऑलराउंडर होते हैं वो टीम चैंपियन बनती है, ये बात चेन्नई से लेकर मुंबई तक आप नजर दौड़ा सकते हैं, चेन्नई से लेकर मुंबई तक आप नजर दौड़ा सकते हैं। जो जो टीम बेहतर ऑलराउंडर के साथ खेली मैदान पर, उस साल वो टीम चैंपियन बनी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर केकेआर का नजर आ रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं कि केकेआर इस बार चैंपियन बनेगी, क्योंकि केकेआर के पास तीन बड़े ऑलराउंडर हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, अपना अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।